मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम इतिहास की इस क्लास में प्रवेश करने से पहले आपको बता दें, जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन सारे मिलते रहें। यह श्रृंखला सभी प्रकार के छात्रों के लिए है, चाहे वो स्कूली छात्र हों या कॉलेज के छात्र हों या फिर किसी प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में, क्या कुछ खास है और देखते हैं आज अपने इतिहास के देख कर क्या अपन को मिलता है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो अपनी सिंधु सभ्यता थी वहाँ पर हमें कुछ स्क्रिप्ट मिली हैं, लेखन कला मिली है, और वो इस प्रकार से इसके जो आप देख रहे हैं साइन हैं या इस प्रकार से लिखावट थी उनकी। ये कुछ सेल यानी मोहरे हैं जो आप बगल में देख रहे हैं, और यहाँ पर इस प्रकार के इनके देखिए इस प्रकार से स्क्रिप्ट है, इस प्रकार से ये बनाते हैं, इनका कुछ ना कुछ मतलब था। और यहाँ पर शायद इन्होंने देखिए इस प्रकार से कुछ ये बताने का प्रयास किया कि इसका मतलब ये है, लेकिन अभी तक कुछ कुछ देखिए इस प्रकार ये सैलें हैं। सैल मतलब होता है आजकल के जो सिक्के होते हैं उसी टाइप में ये मोहरें होती थी उस टाइम की। देखते हैं यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो सभ्यता थी काफ़ी विकसित सभ्यता थी और यहाँ पर विदेशी व्यापार भी हुआ करता था। जैसे कि आपको बता दें मिस्र, जिसे अपन मेसोपोटामिया, मिस्र जो अभी देश अपना मिस्र है, जहाँ पे गीज़ा के पिरामिड वगैरह बहुत प्रसिद्ध हैं, तो उस सभ्यता से मध्य एशिया में यहाँ से व्यापार होता था। कृषि के लिए पत्थर और कांसे के औजारों का हम लोग उस समय उपयोग करते थे। फावड़ा या हल के, यहाँ पर फावड़ा के फॉल नहीं मिले हैं, यहाँ पर लकड़ी के हलों का प्रयोग पहले किया करते थे लोग। सिंधु नगरों में खेती करने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे, इसलिए खेती जो जहाँ पर भी जो भी आपकी खाद्य सामग्री है उसकी पूर्ति नगरों में कृषि पदार्थों के माध्यम से गाँव के क्षेत्र ही किया करते थे। अन्नागार बनाए जाते थे नदियों के किनारे, अन्नागार वह स्थान होता था जहां पर काफ़ी सारा अन्न, जिसे आजकल के अब FCI गोदाम बोलते हैं या फूड कॉरपोरेशन जो होता है, जहां पे अपने अन्नागार होते हैं आजकल भी होते हैं, गवर्नमेंट FCI गोदाम बना लेती है इसको, तो इसी प्रकार से उस समय भी अन्नागार हुआ करते थे। और ये नदियों के किनारे बनाए जाते थे ताकि बहुत सारे जहाज या फिर नाव के द्वारा इनको एक जगह से दूसरी जगह परिवहन किया जा सके। इसके अलावा कृषि की दशा उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था इस समय। कृषि के कार्य और व्यापार, पशुओं से हम एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाते थे, अपनी कृषि कार्य में इसका प्रयोग करते थे। और पशुओं में भी कुबड़ वाला जो सांड होता है वो काफ़ी पूजनीय था उस समय। और यहाँ उस समय तक देखिए यहाँ तक आते सिंधु सभ्यता में बैल, बकरी, भेड़, हाथी, भैंस, गाय, ये सारी चीज़ें पालतू बना लिए गए थे। सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले मनुष्य ने जो चीज़ पालतू बनाई वो था कुत्ता। उसके बाद गुजरात के निवासी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गुजरात के निवासी उस समय हाथी पालते थे। ठीक है, इस प्रकार से ये गांव का सिस्टम है, यानी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं। काफ़ी अच्छे ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पर, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होती थी, ईंटों के पक्के मकान हुआ करते थे, और आधुनिकता की जो सारी चीज़ें इसमें मौजूद थी लगभग। देखिए इस प्रकार से बाजार गुलजार हुआ करते थे, बाजार हैं और लोहारों की दुकान दिखाई दे रही हैं आपको, और यहाँ पर काफ़ी सारे आपको जो चित्र में बहुत सारे मकान भी दिखाई दे रहे होंगे, पूरा नगर दिखाई दे रहा है इस टाइप में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ खास है, सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े का प्रयोग करते थे। आप देखिए यहाँ पर महिलाएँ भी हैं, कोई महिलाएँ देखिए सूती ऊनी कपड़े पहने हुए ना, इस प्रकार से सूती ऊनी कपड़ों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। इसके बाद बता दें, इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के होते थे, और यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ का यूज करते थे। चौपड़ एक शतरंज के जैसा होता है, उसका यूज करते थे। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ मिलती है कि अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं संस्कार का भी पालन यहाँ पर लोगों के पास था। यहाँ के लोग पता क्या था, यहाँ के लोग गणित और धातु निर्माण, मापतौल, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आती है। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज़्यादा थे, कितनी अच्छी चीज़ थी। देखिए सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम थे, मतलब युद्ध नहीं करते थे वो, और शांति में विश्वास करते थे। दास प्रचार, लेकिन उस समय दास प्रथा चलती थी, दास और दासियों को रखना यहाँ पे आम बात हुआ करती थी, ठीक है ना, दास दासियाँ यहाँ पर बना लिया करती थी इस समय। ये आपको बता दें, देखिए चौहंदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हमें। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर जो महिलाएँ हैं वो श्रृंगार करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये श्रृंगार के साधनों में एक लिपस्टिक भी साधन होता है, तो लिपस्टिक के साक्ष्य हमें मिले हैं, वो मिले हैं चौहंदड़ों से, हमें लिपस्टिक के साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं।
और इसके बाद देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इनके कुछ ऑर्नमेंट्स यानी ज्वेलर्स ये आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इस प्रकार से ये था दोनों चीज़ें मैंने पहले बता दिया। अभी मेसोपोटामिया, मिस्र और देखो इंडिया, सिंधु, यहाँ इस प्रकार से अपने इंडिया से यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। देखिए ये जो आपका जो लाइन दिख रही है, ये लंबी जो लाइन दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर देखिए रेड कलर से मार्क है, ये सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ पर, और इस साइड थी आपकी, देखिए यहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, सॉरी यहाँ पर ये सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्र है, और यहाँ पर ये मेसोपोटामिया पड़ता है, यहाँ पर ये मिस्र है, मिस्र मेसोपोटामिया, यहाँ पर ये मेसोपोटामिया है, ठीक है। यहाँ से आपका व्यापार हुआ करता था इंडिया से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के मेसोपोटामिया यानी मिस्र तक, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये हमें कुछ मनके हैं, मनके मतलब बोलते हैं कि ये मालाओं के जो मोती हुआ करते थे वो इनसे बनाया, इस प्रकार से ये मनके हैं, मनके कार मनके जो इसे मोती बोलते हैं, मनके बनाने कारखाने में चौहंदड़ों में मिले हैं। अच्छा, सिंधु सभ्यता के लोग ईश्वर की पूजा और मानव ईश्वर की पूजा मानव वृक्ष पशु तीनों रूप में करते थे, बहुत अच्छी बात है। उस समय ये लोग प्रकृति पूजा हुआ करते थे, और सिंधु सभ्यता के लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे, जादू टोने में विश्वास करने और बलि प्रथा चलती थी ऐसा भी अनुमान लगाते हैं। ये लोग मातृदेवी यानी जो अपनी धरती माता है उसे उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। रुद्र देवता का मतलब है पशुपतिनाथ, इनकी पूजा करते थे, लिंग योनि की पूजा करते थे, इसके वृक्ष पशु सांप पक्षी आदि की भी पूजा करते थे, आज भी होती है। नाग पंचमी आप देखते हैं अपने आप पूजा होती है, वृक्ष पर देखते हैं पीपल की वृक्षा होती है, बट वृक्ष की पूजा होती है, बट सावित्री वृक्ष पर बट की पूजा होती है, इस प्रकार से आज भी अपन पूजते हैं वो। और विशाल स्नानागार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये विशाल स्नानागार जो था, विशाल स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए सूर्य पूजा में होता था, जो अपन को स्नानागार मिला हुआ है, जो आज भी अपने पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर ये कह सकते हैं कि अग्नि और स्वास्तिक की पूजा की जाती थी, यानी जो अपना स्वास्तिक चिन्ह है ना, जो स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है वो संभवतः सैंधव सभ्यता की ही देन है, और इससे हमें सूर्य पूजा का उपासना का हमें पता चलता है कि उस समय सूर्य की पूजा हुआ करती थी। इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अग्नि और स्वास्तिक की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक चक्र सूर्य का प्रतीक हुआ करता है, ठीक है ना। ये लोग पूर्व जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद भी, अगर ये कोई किसी की मृत्यु हो जाती उसके बाद भी दाह संस्कार के तीन तरीके चलते थे, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। मूर्ति पूजा प्रारंभ सैंधव सभ्यता है, देखिए मूर्ति पूजा का यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मूर्ति पूजा का आरंभ सैंधव सभ्यता से ही होता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो जिसे हम कहते हैं उर्वरता की देवी है ये, जो एक, ठीक है ना, उर्वरता की देवी। देखिए इस प्रकार से ये जो नाप की इकाई, जो नाप के लिए जो रखे हुए तराजू वगैरह, ये 16 के अनुपात में विभाजित हुआ करते थे, 16। सैंधव सभ्यता ये मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, और इस प्रकार से सैंधव सभ्यता से देखिए इस प्रकार से ये साक्ष्य मिले हैं। ये सैंधव सभ्यता का नगर है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके अभी तक साक्ष्य हैं। देखिए ये पक्की ईंटों के बनी हुई दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी, बट अभी तो ये देखिए खंडहर अवस्था में है, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। ये सिंधु सभ्यता के साक्ष्य हैं, और यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। ये मोहरे हैं, जिसे अब आज के समय में हम सिक्के कहते हैं, ये उस समय के सिक्के हुआ करते थे, इस प्रकार उसमें डिज़ाइन डले हुआ करते थे। ये देखिए कुंवर वाला सांड, ये काफ़ी फेमस था उस समय, बीच में वाली मोहर पर, और ये बगल में ये उनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इस बगल जो थर्ड वाले यानी इस पर आपके राइट हैंड साइड, ये उस समय की स्क्रिप्ट है, उनकी लिपि है, और ये सेल पर यानी मोहरों पर इस प्रकार के अंकन किया जाता था। ये उस समय की क्या है, उस समय के सिक्के हुआ करते थे ये। अच्छा, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, देखिए भाई सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, वो पतन के कारण आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह इसके पतन के कारण के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ, धीरे धीरे पतन हुआ, एकदम नहीं हुआ। यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुँच गई, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। पहले नगरीय सभ्यता थी, धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता पहुँच गई। सैंधव सभ्यता की देन क्या रही, सैंधव सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें थीं, जैसे कि
दशमलव पद्धति पर आधारित माप तोल प्रणाली। देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमें सिंधु सभ्यता से मिली हैं। देखिए पहली क्या थी, दशमलव पद्धति पर आधारित माप तोल प्रणाली, नगर योजना, सड़क और नालियों की व्यवस्था किस प्रकार से होना चाहिए, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृ देवी की पूजा, प्रकृति की पूजा, शिव की पूजा, लिंग योनि पूजा और तावीज जो अपन आज पहनते हैं, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषण का प्रयोग, बहुफसली कृषि, अग्नि पूजा और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हड़प्पा सभ्यता, जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, किस प्रकार से हमें मिला है। देखिए इस प्रकार से दो मंजिल मकान भी हुआ करते थे, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है इस प्रकार से नज़ारा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की और बात करते हैं तो यह सवाल उठता है कि इस समृद्धशाली संस्कृति की जानकारी का आधार क्या है। तो सामान्य तौर पर दो प्रकार के आधार होते हैं, साहित्यिक आधार, पुरातात्विक आधार। साहित्यिक आधार पर जो लिखी हुई सामग्री है वो पुरातात्विक आधार में, जैसे अपने जी इस प्रकार खुदाई में जो हमने नगर खुदाई में जो भी चीज़ें मिली हुई हैं, बर्तन हुए, कपड़े हुए, खेत हुए या टूटे हुए मकान वगैरह के अवशेष मिले हुए हैं, वो सभी चीज़ें हम कहते हैं कि पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक साधन है। साहित्यिक स्तर पर हमारे पास इस काल की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, साहित्यिक यानी लिखी हुई तौर पर। इसकी चित्रात्मक लिपि यद्यपि इसकी लेखन कला को बताती है, लेकिन यह भी अभी तक अपठनीय है, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मिली है वो भी आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इस तरह हमें उत्खनन से प्राप्त भवनों के अवशेषों से ही हमें पता चल पाता है कि भाई इस सभ्यता में इस प्रकार से ये सभ्यता रही होगी। अब कालीबंगा सरस्वती सभ्यता की खुदाई में क्या मिला, कालीबंगा सरस्वती की सभ्यता की स्वतः देखिए भाई उस समय की, देखिए आप उस समय की टाइल्स है, नीचे आप देख रहे हैं उस समय की टाइल्स, देखिए कितनी साल पुरानी, 4500 साल पुरानी है ये, 4500 साल पुरानी। सोचो आज से 4500 साल पुरानी ये टाइल्स इस समय भी इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं तो उस समय कितनी शानदार रही होंगी। ये नीचे का फर्श है, देखिए बरामदा का फर्श हुआ करता था, इस प्रकार से मकान बने हुए करते थे, कितनी सुंदर टाइल्स हैं और कितनी कारीगरी से बनाई होगी। आप सोचिए आज के आधुनिक युग में और उस समय के युग में कितना ज़्यादा अंतर था, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। तो कालीबंगा घग्गर सरस्वती के सूखे अपवाह तंत्र में बसा प्राचीन स्थल है जो सरस्वती सभ्यता का एक खास स्थान है और यहाँ के कुछ लोग ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांचित कर देती हैं। यहाँ पर किले, घर, ज्वेलरी, हड़प्पा सभ्यता की जो सिक्के, कब्र, जुते हुए खेत आदि चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये आपको दो खास चीज़ों के बारे में बताती हैं। फर्श टाइल, फर्श जो मैंने अभी बताया, फर्श जो टाइल्स लगी हुई हैं, ये अकेला स्थान ऐसा है कालीबंगा, यहाँ कमरे आदि में निचली छत पर बिछाई जाने वाली सजावटी टाइल्स मिली हैं जो आज आधुनिक युग में आप लोग अपने घरों में लगाते हैं, और टाइल्स भी ऐसी कि देखकर आप चौंक जाएंगे। आप देखिए इस प्रकार से, देखिए आप देखकर चौंक जाएंगे, उस समय भी इतनी सुंदर टाइल्स, वो भी इतनी डिजाइन को एकदम, देखिए कितनी फिनिशिंग से बनाई गई हैं, देखिए कमरों में देखिए कितनी सुंदर टाइल्स से बनाई गई हैं, मतलब आज सोचिए हम कितने आगे होने के बाद भी आज इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो उस समय करते थे 4500 साल पहले। तो काफ़ी कुछ विकसित सभ्यता थी, और यहाँ पर जो बिल्कुल वैसी हैं जिनका इस्तेमाल हम आज करते हैं और उन पर बेहतरीन ज्यामिति डिज़ाइन भी हैं जो आपको बता दिया है। अब और खुदाई में क्या मिला है भाई, देखिए ये मिला हुआ है खुदाई में, ये नगर मिले हुए हैं इस प्रकार से ड्रेन, देखिए नालियों की व्यवस्था कितनी सुंदर बनाई गई है यहाँ पर, देखिए है ना, एक कुआ घर में ही हुआ करते थे इसमें। अगला देखते हैं, ये मोहरें हैं और इनके ये सांचे हैं जिनसे बनाई जाती थी, देखिए देखिए ये मोहर हैं, ये देखिए ये मोहर, ये हैं इनके सांचे, यानी ये है इसका सांचा और ये है मोहर, यानी इससे ये वाली चीज़ बन जाएगी, ये इसका सांचा, ये इसकी मोहर, ये इसका सांचा, ये मोहर बन गई, ये सांचा है और ये मोहर बन गई। इस प्रकार से ये लोग सांचे से मोहर ढालते थे, देखिए इस प्रकार से सिक्के बनाने का काम हुआ करता था उस समय। ये देखिए यूनियन सील ऑफ इंडस वैली इंडियन म्यूजियम, जो भारतीय म्यूजियम में इस, ये देखिए इस प्रकार सिक्के रखे हुए हैं पुराने समय के जो हमें मिला हुआ था कभी खुदाई में, इस तरह का इसमें डिजाइन बना हुआ था, ये देखिए आप, ये छोटा सिक्का एक बड़ा सिक्का है, ये सिक्के हैं उस समय के और जो मैंने आपको यहाँ तो बता ही दिया है सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें। देखिए इस प्रकार से ये प्राकृतिक चीज़ों से अपने सुंदर आभूषण वगैरह डिजाइन किए हुए हैं इनके, और इस प्रकार से ये लोग पहना करते थे उस समय। सिंधु घाटी की सभ्यता के ज्वेलर्स हैं, ये सॉरी ज्वेलरी है, एंड ये आपकी मैंने बता दिया है। अब देखते हैं कि घाटी की दूसरी कला दूर दूर तक, देखिए सिंधु घाटी की सब कला जो थी दूर दूर तक फैली हुई थी
गोमेद कानी बिल्लोर बिला अतीत में पुराने पुराने रिश्तों की स्थिति में सुधार हुआ, मतलब वही है चीज़ें कि सब और नए नए डिज़ाइन उन लोगों ने ईजाद किए और नए नए चीज़ें उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दी थी। और आपको बता दें मैके यानी होता है मायालय के पास में एक मन के मतलब जानते हो ना, जो माला में डलने वाली जो मोती होती है, मन के निर्माण के कारखाने मिले हैं। मुंबई के पुराने होटलों में भी ऐसा ही देखा गया था, जो कि मेसोपोटामिया के साथ रहने के लिए बदल गए थे। पूरी तरह से हड़प्पा के ये आभूषण है। यह आभूषण गोमेद कारनी हड़प्पा मोहनजोदड़ो आदि स्थानों पर ये मिले हुए हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये। इस प्रकार से देखिए नगर हुआ करता था, चारों तरफ से घिरा हुआ होता था। देखिए अब तो ये जीर्ण शीर्ण हालत में इसलिए क्योंकि इसे काफ़ी हज़ारों साल हो गए हैं। देखिए इस प्रकार चारों तरफ परकोटा हुआ करता था और ये बीच में नगर बसा हुआ करता था। पूरा नगर बसा हुआ है, ठीक है ना। और देखिए इस प्रकार से पूरा नगर बसा हुआ है और यहाँ पे देखिए ये नाप तौल चल रहा है, बाजार है पूरा, ठीक है ना। ये बाजार हुआ करता था इस प्रकार से, ठीक। और इसके बाद और नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए और इसमें इतिहास में और आप क्या चाहते हैं और श्रृंखला आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूब चैनल एंड नेवर मिस एंड अ न्यू वीडियो एंड पीतम्बरा एजुकेशन, प्लीज़ प्रेस बेल आइकन एंड कमेंट नेसेसरी, सो प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।